अगर आपको मशरूम खाना अच्छा लगता है तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे मशरूम चिली की आसान रेसिपी, जिसे बनने में सिर्फ मिनटों का समय लगता है और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब होता है। इसे आप किसी भी तरह के फ्राइड राइस या फिर नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमें 200 ग्राम मशरूम चाहिए, जिसे हमें इस तरह से काट के तैयार कर लेना है। थोड़े से पीसेस बड़े रखिए ताकि पकने के बाद भी वो डिशेज में नजर आए, क्योंकि मशरूम पकने के बाद काफ़ी श्रिंक कर जाते हैं तो लुक वाइज उतने अच्छे नहीं लगेंगे छोटे पीसेस। तो पीसेस इस तरह से थोड़े से बड़े रखिए। तो यहाँ पर हमने इसे काट के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन के ग्रीन पार्ट को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। एक टमाटर ले लिया है मैंने, जिसे सीडलेस करने के बाद इस तरह से क्यूब्स में काट लेंगे। एक मीडियम साइज़ के प्याज को चार टुकड़ों में काटने के बाद उसकी स्किन को इस तरह से अलग कर लेंगे। और यहाँ पे शिमला मिर्च को भी मैंने उसी तरह से काट के तैयार कर लिया है। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, जिसमें हमें सारे सॉसेस को मिला के साइड में रखना है। इससे बहुत आसानी होगी आपको किसी भी चिली की रेसिपी को बनाने में। तो यहाँ पर ऐड किया है मैंने विनेगर। अब डालेंगे इसमें रेड चिली सॉस। सॉसेस की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डार्क सोया सॉस डाला है। अब डालेंगे इसमें टोमेटो केचप। और इस रेसिपी में नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है हमें, क्योंकि हम इसमें बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और सॉसेस में भी नमक है, तो बिल्कुल नमक मत ऐड कीजिएगा। अब डालेंगे इसमें कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। इसकी भी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चिली को भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो बिल्कुल कीजिए। सबको मिक्स करके इसे साइड में रख देंगे। अब बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून बटर गरम किया मैंने। बटर हमारा जले ना, तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा तेल भी ऐड कर दीजिए। तो 1 छोटी चम्मच के लगभग यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब बटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तेल के साथ पूरी तरह से। जैसे ही पिघल जाएगा, इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ लहसुन। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून के लगभग मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है। 10 से 12 कली लहसुन को छीलने के बाद फाइनली चॉप कर लीजिए और उसे ऐड कर दीजिए। अब मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच इसे हमें तब तक भूना है जब तक इनमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे या फिर इनका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो 1 मिनट में लहसुन अच्छी तरह से भुन जाएगा। जैसे ही लहसुन भुन जाए, हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम और इसे लगभग 1 मिनट तक हमें मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच भूनना है। मशरूम का टेस्ट बटर के साथ मिलने में बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बटर में ही इस रेसिपी को बनाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भुनने के बाद इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम रह गई है और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी लेयर आ जाती है इनके ऊपर। तो यहाँ पे हमने इसे भून लिया है, अच्छा सा ग्लेज आ चुका है इनके ऊपर। अब पूरी तरह से हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे, क्योंकि बाकी की कुकिंग हमें अब हाई फ्लेम पर ही करनी है। अब सब्जियों को ऐड करेंगे, तो सबसे पहले प्याज, शिमला मिर्च और थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर देंगे और सबको अच्छी तरह से भूनिए लगभग 1 मिनट के लिए। सब्जियां इसमें क्रंची बनी रहती हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी, बहुत ज़्यादा पकाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए ये रेसिपी और भी ज़्यादा जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर सब्जियों को भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1 छोटी चम्मच चीनी। आप चाहें तो यहाँ पर हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी को आप रेसिपी पूरी तरह से बनने के बाद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चीनी ऐड करें तो इस स्टेज पे डालिए। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। चीनी जब तक मेल्ट ना हो तब तक इसे हमें भूनना है। तो लगभग आधे मिनट में ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है और सब्जियां भी अच्छी तरह से भून जाएंगी। तो ये देखिए, भून लिया है हमने, चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब सॉसेस जो हमने तैयार किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सॉसेस को अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे और इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कॉर्नफ्लोर डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसकी ग्रेवी लटपटी सी रहती है, जो कि सॉसेस से ही पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा पानी या फिर और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही आसान रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें बॉयल आ चुका है। जैसे ही बॉयल आ जाएगा, हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को पहले मत ऐड कीजिए, नहीं तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसे मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल रेसिपी हमारी तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और यहाँ पे आप मशरूम का भी टेक्सचर देखिए, बिल्कुल खड़ी मशरूम, बहुत ही अच्छी तरह से अंदर से जूसी, बाहर से क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है इस तरह से बनाने पे। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। रेसिपी बिल्कुल तैयार है। हार्डली मुझे 5 से 6 मिनट लगा इसे बनाने में।
प्रिपरेशन करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वरना ये रेसिपी बहुत जल्द तैयार हो जाती है। तो इसे गार्निश कर लीजिए स्प्रिंग ऑनियन के ग्रीन पार्ट से। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च को भी बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका लुक देखिए, काफ़ी टेम्पटिंग है। तो फ्राइड राइस के साथ आप इसे सर्व कीजिए, यकीन मानिए ये सबको बहुत टेस्टी लगेगी। तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी बाकी बनाई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन पे दिए लिंक्स पे क्लिक कीजिए और उसे भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।